वो अपनी शॉपिंग एबंडन कर देते हैं एबंडन से मुराद है कि शॉपिंग करते करते दे डिड नॉट कंप्लीट द शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग तो और ट्रेवल इंडस्ट्री में देर इज अबेंडमेंट रेट ऑफ 82.1 परसेंट इसका मतलब यह है कि अगर 100 लोग ट्रैवल से रिलेटेड ऑनलाइन परचेज करने गए थे 82.1 परसेंट ने शॉपिंग कंप्लीट नहीं की ऑनलाइन दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर फाइनेंस finance. Finance का जो एब इज 81.8 एट परसेंट इसका मतलब एक्टिविटी जो लोग ऑनलाइन करने जा रहे थे 100 में से around लोगों ने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं की मतलब ऑनलाइन परचेज फाइनेंस से रिलेटेड कंप्लीट नहीं की तीसरी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसमें अराउंड सेवेंटी लोग हैं जिन्होंने एबंडन कर दी अपनी ऑनलाइन शॉपिंग अगर मैं आगे रिटेल ऑनलाइन शॉपिंग में जाऊँ तो एबंडन रेट है सेवेंटी सिक्स परसेंट अगर कुछ लोग फैशन से रिलेटेड चीज़ परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन तो उन्होंने उसमें से सिक्सटी सिक्स परसेंट लोगों ने ट्रांजेक्शन कम्प्लीट नहीं की और दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर के लोगों ने जो अपने ट्रांजेक्शन्स हैं वो यानी शॉपिंग कार्ट कंप्लीट नहीं किया यानी परचेज पूरी नहीं की अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द टॉप रीज़न कि क्यों लोग चेकआउट करने से पहले शॉपिंग खत्म कर देते हैं थर्टी सेवन परसेंट ऐसे लोग हैं जो शॉपिंग इसलिए एबेंडेंड कर देते हैं कि वेबसाइट उनको कहती है कि दे शुड क्रिएट देयर अकाउंट फर्स्ट ओनली देन देश विल बी एबल टू प्लेस द ऑर्डर ये स्टैट दिखाने के आपको कुछ मकसद था सबसे पहला जब हम ये कहते हैं ना कि एक एक क्लाइंट मेरा मेरे जो ब्रांड है या मेरा जो ऑनलाइन स्टोर है उसको बहुत लॉयल है तो लॉयल्टी जो है वो ओवरनाइट नहीं आती और ये एक मूविंग टारगेट है मूविंग टारगेट से मुराद ये है कि वन गुड डे आई आई विल वेट फॉर मोर डेज टू बाय एप्पल मोबाइल फोन आईफोन वर्सेस लेस डेज आई कैन वेट फॉर सैमसंग यानी मैं अगर आईफोन मुझे महीने बाद मिल रहा है आई कैन वेट एक ब्रांड है लेकिन हो सकता है कुछ महीने बाद मैं कहूँ अगर मुझे आईफोन दस दिन के बाद नहीं मिलेगा मैं सैमसंग परचेज कर लूंगा द द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू इस्टैब्लिश जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी आप कस्टमर को लॉयल्टी की बेस के ऊपर ज्यादा देर तक बाउंड नहीं कर सकते यू हैव टू यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कन्वीनियंस ऑनलाइन शॉपिंग क्या है बेसिकली अगर मैं आपको इसका क्रक्स बताऊं ऑनलाइन शॉपिंग क्यों ज्यादा यू नो एट पेस है क्योंकि मुझे फिजिकली जाना कहीं नहीं है मेरी कन्वीनियंस है आसानी है मैं घर बैठे बैठे ही किसी से बात किए बगैर रश में जाए बगैर किसी से बारगेनिंग किए बगैर घर बैठे बैठे चीज परचेस कर रहा हूं दिस इज द एसेंस ये कोर है यानी इसी की वजह से लोग शॉपिंग कार्ट की तरफ या ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज्यादा आ रहे हैं तो द इशू हेयर इज ये हमें लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है कन्वीनियंस लेके आनी है गेस्ट साइन इन ये होता है कि आप यूज़र को शॉपिंग के दौरान ये कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू पे इफ यू वांट टू आउट और आउट से मुराद है कि जो चीज़ें खरीदनी थी वो खरीद ली, अब पैसे पे करो तो चेकआउट से पहले आप यूज़र को फोर्सफुली कह रहे हैं कि पहले वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करो रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि पहले अपने आप फर्स्ट नेम बताओ लास्ट नेम फोन नंबर ई मेल एड्रेस क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन यानी डिटेल यानी फिर एक ई मेल आएगी ई मेल एड्रेस के ऊपर उसको वेरीफाई करो फिर एस एम एस आएगा द पॉइंट इज के आप यूजर कन्वीनियंस चाहता है आसानी चाहता है आप अगर उसे फोर्सफुली कहेंगे नहीं कि पहले रजिस्ट्रेशन कराओ और फिर आ, तुम पैसे पे कर सकते हो तो दैट डज नॉट मेक सेंस एक्सेप्शन आर देयर यानी कुछ केसेस में आपको यू विल बी यू विल बी अ वैलिड क्वेश्चन कि सर कुछ वेबसाइट्स में तो चेकआउट के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है बिल्कुल होती है द पॉइंट यर इज के उन वेबसाइट्स का फिर ब्रांड है और हर वेबसाइट की ब्रांड के हिसाब से फिर ब्रांड से मुला दें कि उनकी वैल्यू है और हर वैल्यू के हिसाब से दे मेक देर पॉलिसी गैस साइन इन ये कहते हैं कि आप चेकआउट कर सकते हैं विदाउट रजिस्टरिंग यानी अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरे बगैर यू कैन सेलेक्ट अ प्रोडक्ट पे शिपिंग एड्रेस ओ गुड टू गो आपने कुछ अपने आप को रजिस्टर नहीं करना दिस डज नॉट मीन कि वेबसाइट रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करती वेबसाइट बिल्कुल रजिस्ट्रेशन अलाउ करती है लेकिन ऑप्शन दे देती है कि अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाए बगैर भी आप चेकआउट कर सकते हैं जैसे भी आपको इमेज में नजर आ रहा है अमूमन वेबसाइट्स के ऊपर जो गेस्ट साइन इन अलाउ करती हैं दो तरह की ऑप्शन आ रही होती हैं एट द टाइम ऑफ चेकआउट एक ये कि यूजर ने पासवर्ड दे दें इफ यू ऑलरेडी हैव अकाउंट दूसरा आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एन अकाउंट यानी गेस्ट साइन इन के तौर पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं सो so, जो बात आपको समझनी है कि ऑनलाइन शॉपिंग इज ऑल अबाउट यूजर कन्वीनियंस तो आपकी वेबसाइट के अंदर गेस्ट साइन इन का ऑप्शन होना चाहिए और ये बड़ा कोर कंपोनेंट है देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन इससे यूज़र कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है व्हाट डज़ इट मीन कि मैं अगर फॉर एग्जांपल आप यू समझें इफ आई एम ट्रैवलिंग एंड मोबाइल से मैं लॉग इन और मैंने कोई चीज़ परचेज करनी है और आई नो कि ये चीज़ स्टॉक में कम अवेलेबल है पीपल विल इट वेरी क्विकली मैंने ऑर्डर प्लेस करना है ना वो फोर्सफुली मुझे कह रहा है कि नहीं रजिस्ट्रेशन कराओ पहले रजिस्ट्रेशन से मुराद है कि ई मेल आई है वो जाके पहले ये अपना अकाउंट एक्टिवेट करो एस एम एस आएगा उसको वेरीफाई करो देर इज असवीर चांस कि आई विल से ओके फाइन आई विल जस्ट स्विच टू अनदर वेबसाइट तो इट ऑल अबाउट ऑल अबाउट कन्वीनियंस सो लेट मी शो यू अ स्मॉल डेमो कि ये गेस्ट साइन इन काम कैसे करता अब ये देखें स्टूडेंट्स एक वेबसाइट है शॉप हाइव डॉट कॉम इट इज अ पाकिस्तान बेस ई कॉमर्स स्टोर जहाँ पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और यू कैन बाय ऑनलाइन बाय प्लेसिंग योर ऑर्डर आई वि अब ये वेबसाइट गेस्ट साइन इन यानी चेक विदाउट रजिस्ट्रेशन अलाउ करती है फॉर एक्ज़ाम्पल लेट सपोज़ कुछ प्रोडक्ट्स हैं लेट सपोज आई सर्च फॉर लेट सपोज एप्पल मैक प्रो को मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंड लेट से आई हैव दिस थिंग मैक प्रो पे क्लिक किया मैंने एंड देन आई हैव दीज मल्टीपल ऑप्शंस सो अब लेट सपोज मैं इसको एड टू कार्ड करता हूँ दिस एप्पल आई मैक प्रो एड टू कार्ड किया मैंने जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे कार्ड में ऑलरेडी एक चीज़ पड़ी थी इट इज़ अपडेटेड मैंने कहा प्रोसीड टू चेकआउट जैसे ही मैंने प्रोसीड प्रोसीडू चेकआउट किया तो अब आप ये देखें वो मुझे कह रहा है कि लॉग इन कर जाएं इफ़ यू ऑलरेडी हैव अकाउंट अदरवाइज चेक आउट एज गेस्ट या रजिस्टर कर जाएं मैं करता हूँ चेक आउट एज गेस्ट गेस्ट मीन गेस्ट साइन इन मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया लुक एट दिस थिंग मैं अपने आपको रजिस्टर नहीं कर रहा मैं सिर्फ अपना बिलिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसे दिस बिलिंग इन्फॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग प्लस मैं अपना शॉपिंग इंफॉर्मेशन दूंगा शॉपिंग मैथड दूंगा पेमेंट इंफॉर्मेशन है दिस इज इट तो इस वेबसाइट में स्टूडेंट आई एव बिन परचेजिंग अलॉट बट मैंने आज तक कभी रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं है दर इज नो स्पेसिफिक रीजन जस्ट टू अव रजिस्ट्रेशन दिस इज इट गेस्ट के थ्रू ही मैं साइन आउट करके यानी मैं चेकआउट कर सकता हूं By providing my basic information. So it's all about user convenience and user ease.